दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा जो अपने आप पौधों में प्रयोग करेंगे, जो फूल वाले पौधे होते हैं, तो आपके पौधों में भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। क्योंकि इस समय जो होता है फ्लावरिंग का समय होता है, ये फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी के महीने में जो होता है, अगर आप अपने पौधों में इस चीज़ का प्रयोग करेंगे और इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपके पौधे में फ्लावरिंग तो होगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी। क्योंकि कई लोगों की क्वेरी होती है कि वो नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसमें वहाँ तो फ्लावरिंग होती है, लेकिन घर लाते ही एक दो फूल आते हैं, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग रुक जाती है। तो आज मैं आपको इस खाद के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और आप मेरे वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आप नर्सरी से कुछ पौधे लाते हैं फूल वाले, तो आज मैं आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा जो आपने कई जगह सुनी तो होगी, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो आपको जानकारी नहीं होगी। तो आज जो एक खाद के बारे में बताऊंगा मैं, उससे पहले जो मेरे पौधे में देखिए, ये गुलाब का पौधा है, देखिए इसमें कितने अच्छे फूल खिले हैं, देखिए, और इसमें कलियाँ भी देखिए कितनी अच्छी आ रही हैं। ये अभी एक छोटा सा प्लांट है, ये मैंने कटिंग्स के थ्रू ग्रो करा था, लेकिन जो मैंने इसकी केयर कर रखी उसकी वजह से इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, और जो इसमें खाद यूज कर रखी उसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ऐसे ही मेरे जो जेरेनियम का प्लांट है, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप नर्सरी से पौधा लाते हैं तो आप उसको अगर किसी पॉट में लगा रहे हैं, सबसे पहले तो पॉट जो होता है उसमें जो मिट्टी बनाते हैं आप, उसका खास ख्याल रखें। मिट्टी जो होनी चाहिए पोरस होनी चाहिए, क्योंकि पौधे की अगर मिट्टी थोड़ा हार्ड होगी तो उसमें जड़ें फैल नहीं पाएंगी। अगर पौधे की जो मिट्टी होगी पोरस होगी, तभी उसमें जो जो जड़ें फैलेंगी, उसके बाद आपका पौधा ग्रोथ करेगा। और ख़ास कारण ये रहता है कि पौधों में फ्लावरिंग के लिए उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए। पौधों की ग्रोथ और उसमें जो फ्लावर बड आते हैं, अगर उसमें पोटेशियम की मात्रा कम होगी तो आपके पौधे में जो फ्लावर बड है वो खिलेंगी नहीं अच्छे से, वो थोड़ा सा हल्का उसमें जो कली होती है वो हल्की खिलेगी, उसके बाद वो फूल ख़राब हो जाएगा। जैसे ये देखिए जो मेरा गुलाब का पौधा है, इसमें अगर पोटेशियम की मात्रा कम होगी आपके पौधे में तो उसमें फ्लावर बड तो आएंगी, इस तरीके से फ्लावर बड आएंगी देखिए, लेकिन वो फूल पूरा अच्छे से खिल नहीं पाएगा। इस तरीके से वो जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं देखिए, हल्की हल्की खुल जाएंगी, लेकिन वो फूल पूरा नहीं खुलेगा। तो अगर आप उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगा, उसमें बहुत अच्छी पोटेशियम की मात्रा होती है। तो उस खाद वो आपकी खाद जो होती है वो घर पे ही उपलब्ध हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो अगर जैसे आपकी नर्सरी से पौधा लाते हैं, आपने उसको रिपोर्ट कर दिया दूसरे पॉट में, तो उसके बाद जब उसमें ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है हल्की, तो आप उसमें जब कलियाँ आने लग जाती हैं, देखिए जैसे इस तरीके से कलियाँ आने लग जाएंगी, तो आप उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ा दीजिए। पोटेशियम की मात्रा के लिए आप पोटाश भी दे सकते हैं, जो केमिकल खाद आती है। पोटाश अगर आप ज़्यादा देंगे तब भी आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं आज आपको एक घरेलू खाद बताऊंगा जो बहुत अच्छी पोटेशियम की मात्रा जिसमें बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, आपने घर में जब केले लाते हैं, केले खाते होंगे आप, तो उसमें जो छिलके होते हैं आप उसको फेंक देते हैं। कभी भी आप जो केले के छिलके होते हैं इनको फेंकेंगे मत, इसको अपने जो पौधे में खाद के रूप में इस्तेमाल करिए। इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, इसके पहले छोटे छोटे जो केले के छिलके होते हैं इसको ऐसे कट कर दीजिए। केले आप खाते होंगे, लेकिन आपने आज तक देखा नहीं होगा कि केले के छिलकों को हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो उससे जल्दी डिकम्पोज होगा और आपकी खाद जल्दी तैयार होगी। इस तरीके से आप केले के छोटे टुकड़े कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, जैसे मैंने ये एक पॉट में जो है, कोई भी बर्तन में आप ये गोबर की खाद ले लीजिए, फुली डिकम्पोज गोबर की खाद होनी चाहिए। गोबर की खाद में बहुत सारे जो होते हैं पौधे के लिए पोषक तत्व होते हैं, अगर आप इसका भी यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया आपकी खाद तैयार हो जाएगी। एक गोबर की खाद लीजिए, इसमें आप 1 लीटर पानी मिला दीजिए, जितनी खाद आपको तैयार करनी है उस हिसाब से। जैसे मैं आपको 1 लीटर पानी के लिए आप बोल रहा हूँ, उसमें आप कम से कम 250 ग्राम गोबर की खाद मिला देंगे। 250 ग्राम गोबर की खाद मिलाई और इसमें पानी डाल दिया 1 लीटर। उसके बाद जो केले के छिलके हैं
इनको इसमें इस तरीके से डाल दिया, और उसके बाद इसको आपने छाया वाली जगह पर रख देना है 6-7 दिन के लिए। 6-7 दिन के लिए इसको छाया वाली जगह में रखिए। उसके बाद इसमें आप ऊपर से कवर कर सकते हैं, कोई कपड़ा या कोई चीज़ भी आप ढक्कन इसमें रख सकते हैं, कोई भी चीज़ में बना रहे हैं आप, प्लास्टिक की जो जार होता है उसमें भी बना सकते हैं, ढक्कन होता ही है उसमें। तो आप इस तरीके से इसको छाया वाली जगह में रख देंगे 6-7 दिन के लिए, और 6-7 दिन इसको हल्का हल्का इस तरीके से हिलाते रहेंगे। हर दिन इसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा हिला देंगे, एक दिन में एक बार हिलाएंगे तो ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा आपकी जो खाद का जो मिक्सचर है। उसके बाद इसमें जो खाद तैयार होगी वो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस कलर की खाद तैयार होगी। ये देखिए इस तरीके की खाद तैयार होगी, ये कलर देखिए इस तरीके का आएगा। उसके बाद आप इसको अपने पौधों में जब देंगे तो इसको आप डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं, एक जैसे एक बकेट पानी है 15 लीटर, उसमें इस खाद को छान के आप उसमें डाइल्यूट करके अपने पौधों में हर 10-15 दिन में अगर इस खाद को देंगे तो उससे आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत पोषक बनेगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आपका पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप तभी भी दे सकते हैं इस खाद को, तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और जो फ्लावर साइज़ है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। देखिए इस तरीके से फ्लावर साइज़ भी आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर इस खाद के प्रयोग से आपके प्लांट में थोड़ी सी भी अगर ग्रोथ हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।